वेलकम टू बरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम फिर से ऐसे क्वेश्चन को लेंगे जिसमें अपने को आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। हालांकि मैं ऐसे लास्ट के दो वीडियोस में मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देता हूँ, है ना। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए, लास्ट के दो वीडियो यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। क्या करेंगे, अपने को यहाँ पास क्या दिया हुआ है, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ। देखिए, एफ किसका किसका फंक्शन है, एक्स का, वाई का और जेड का। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में अपने को अंडरस्टूड है कि जेड जो है एक्स वाई का फंक्शन है ना। जेड जो है एक्स वाई का फंक्शन होता है, इसका मतलब है फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एंड z माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वी। तो ये क्या हो जाएगा जी, f इज़ अ फंक्शन ऑफ नाउ u एंड v। f क्या हो गया, अब u और v का फंक्शन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। f u और v का फंक्शन हो गया। अब देखिए, u के अंदर में x भी है, y भी है और z भी है, v के अंदर भी x भी है, y भी है और z भी है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो वहाँ से फंक्शन जो है अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा डेल f बाई डेल u, डेल u बाई डेल x प्लस डेल u बाई डेल z, फिर डेल z बाई डेल x। यहाँ से मिलेगा डेल f बाई डेल v, डेल v बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल z और डेल z बाई डेल x इक्वल्स टू 0, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करके लिखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डेल f बाई डेल u, ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x। डेल u बाई डेल x निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x। डेल u बाई डेल z, यहाँ पास z नहीं है तो ये हो गया 0 और ये हो गया p, प्लस डेल f बाई डेल v, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x निकालेंगे तो अपने को क्या निकलेगा, माइनस y, प्लस डेल v बाई डेल z निकालेंगे तो 1 और ये हो जाएगा p। इक्वेशन नंबर 1 बना दिए इसको अपन, ठीक है, यहाँ से केवल ये 0 p मिलेगा। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, डेल f बाई डेल u इंटू 2x प्लस डेल f बाई डेल v और ये क्या मिला, माइनस y प्लस p इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको। अब इसको क्या करेंगे, फिर से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। इसको y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y आ जाएगा। अब डेल f बाई डेल u, डेल u बाई डेल y प्लस डेल u बाई डेल z, डेल z बाई डेल y प्लस डेल f बाई डेल v
डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए क्या मिलेगा आपको, डेल एफ बाई डेल यू, डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ से देखिए डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा आपको, क्या मिलेगा टू वाई, डेल यू बाई डेल जेड, यहाँ जेड है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो गया क्यू, प्लस डेल एफ बाई डेल वी, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई होगा तो माइनस एक्स मिलेगा, प्लस डेल वी बाई डेल जेड तो यहाँ से मिलेगा आपको वन और ये मिल जाएगा क्यू, ये हो गया क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा डेल एफ वाई डेल यू टू वाई प्लस डेल एफ बाई डेल वी और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगा, सॉरी ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू और ये इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करेंगे, अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, केवल इक्वेशन नंबर टू और थ्री से डेल एफ बाई डेल यू और डेल एफ बाई डेल वी को एलिमिनेट करना है ना। कैसे एलिमिनेट करेंगे देखिए, नाउ वी हैव टू डू एलिमिनेट डेल एफ बाई डेल यू एंड डेल एफ बाई डेल वी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट डेल एफ बाई डेल यू डेल एफ बाई डेल वी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू को मैं कैसे क्या लिखता हूँ देखिए, ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल यू इंटू टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल वी, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस टी, ये इक्वेशन नंबर थ्री के बाद इसको आप फोर मान लीजिए, ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल यू, ये हो जाएगा टू वाई। ये देखिए इक्वेशन नंबर थ्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल एफ बाई डेल यू टू वाई, और इसका साइड को मैं चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल एफ बाई डेल वी, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस क्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है, अब क्या करना है पड़ेगा, देखिए फंक्शन एलिमिनेट कैसे होगा, जब मैं ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन फोर और फाइव को डिवाइड करूंगा तो फंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फोर डिवाइडेड बाई फाइव, ऐसा कर लेता हूँ मैं, इक्वेशन फोर डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फाइव वी गेट, अपने को क्या मिलेगा देखिए, डेल एफ बाई डेल यू इंटू टू एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल यू इंटू टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल वी माइनस वाई प्लस पी, और ये हो जाएगा माइनस डेल एफ बाई डेल वी, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस क्यू, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस क्यू और ये हो जाएगा वाई इंटू माइनस वाई प्लस पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई पी। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा, इसका साइड चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको मैं इधर ले आया एक्स क्यू माइनस वाई पी, इसको मैं ऐसा ले लिया एक्स क्यू माइनस वाई पी, ये ऐसा आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसमें आपको कहीं भी फंक्शन नहीं दिख रहा। देखिए दोनों फंक्शन एलिमिनेट हो गया, डेल एफ बाई डेल यू, डेल एफ बाई डेल वी, दोनों एलिमिनेट हो गए, आपके पास ये रिजल्ट आया। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक करें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।